मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक प्लेट यहाँ पर ले आऊंगा और उस टेबल पर रखूंगा, उसमें हैदराबाद शहर का नाम तो सुना होगा ना आपने। हैदराबाद की तीन चीजें बड़ी मशहूर है, शेरवानी, बिरयानी और गंडी पेट का पानी। और हैदराबाद की बिरयानी तो बहुत ही मशहूर है। मैं हैदराबाद की लज्जतदार मजेदार बिरयानी लाकर प्लेट में गरम गरम रखूंगा और उस पर एक कुत्ता आकर आपकी आंखों के सामने पेशाब भी करेगा, पखाना भी करेगा। तो उस प्लेट में जो बिरयानी है मैं आपके सामने फेंक दूंगा, गर्म पानी से बिल्कुल साफ धोऊंगा और दूसरे पैकेट में जो बिरयानी है वो डालूंगा उस प्लेट में। ईमान से बताएं, दिल गवारा करेगा खाना खाने के लिए? वो प्लेट में आप खाना खाना पसंद नहीं करोगे। आपकी आंखों के सामने मैंने उस प्लेट को धोया है फिर भी आप खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा एक दफा उसी प्लेट में कुत्ते ने पेशाब किया था। इस जुबान से हमने न जाने कितनी दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। इस जुबान से न जाने कितनी दफा हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। कितनी दफा न जाने हमने इस जुबान को सजाया है दुरूद पढ़ पढ़ करके। और वो जो दुरूद एक दफा जुबान से आपने पढ़ दिया, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपने पढ़ा, क्या उस जुबान से गाली कभी निकल सकती है? एक ही जुबान पर गाली दुरूद क्या बैठ सकते हैं? आकर आप बताएं कि कितने लोग हम गाली देते हैं आज। सब्र करना है, ये नजरिए से अगर देखें इंशाल्लाह फिर आपकी जुबान से कभी गाली नहीं निकलेगी, क्योंकि आपकी जुबान से ऐसे प्यारे अल्फाज एक बार नहीं लाखों दफा आपने कहा होगा। फिर उसी जुबान से हम गाली दे रहे हैं, उसी जुबान से हम गीबत कर रहे हैं, उसी जुबान से हम झूठ बोल रहे हैं। उलमा से नहीं सुना आपने, क्या एक मुसलमान कभी झूठ बोल सकता है? ये कर सकता है, हाँ ये कर सकता है, वो कर सकता है, हाँ वो कर सकता है, ये कर सकता है, हाँ ये कर सकता है, झूठ बोल सकता है? नहीं नहीं, मोहम्मद का आशिक कभी झूठ नहीं बोल सकता।